भले ही हमारे देश में खतरनाक हथियार रखना कानूनी अपराध माना जाता है, लेकिन सदियों से चली आ रही शादी की परंपरा में रीत रिवाज के अनुसार दूल्हा तलवार, चाकू, कटार या छुरी अपने साथ जरूर रखता है। आज भी हमारे देश में इन परंपराओं को निभाने में कानूनी अड़चनें नहीं होती हैं, क्योंकि ये परंपरा आज की नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दूल्हे के द्वारा अपने पास तलवार रखना बेहद शुभ माना जाता है। शादी में दूल्हे तलवार क्यों रखते हैं, इस विषय पर जब हमने शादियां करवाने वाले पुजारी कथावाचक देवेंद्र आचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि तलवार को प्राचीन काल से ही शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि दूल्हे के द्वारा तलवार रखने की परंपरा पुराने जमाने से ही चली आ रही है। दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है तो वह अपने होने वाली पत्नी की आजीवन रक्षा करने का वचन भी देता है। यही वजह है कि दूल्हा तलवार अपने हाथों में लेकर दुल्हन के साथ साथ फेरे लेता है। शादी के दौरान दूल्हे के हाथ में रखी तलवार इस बात का प्रतीक होती है कि दूल्हा अपने होने वाली दुल्हन की आजीवन रक्षा करेगा और सही सलामत शादी करके पूरे घर के साथ सकुशल घर वापस आएगा। देवेंद्र आचार्य बताते हैं कि पहले लोग बहुत दूर दराज में शादियां किया करते थे। कई दिनों तक चलने के बाद बारात दुल्हन के घर तक पहुंचती थी। बीच में बारातियों के द्वारा जंगल पहाड़ में विश्राम किया जाता था, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी वो अस्त्र शस्त्र लिए रहते थे। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हर चीज मोटिफाई हो रही है तो उसी हिसाब से इसको भी मोटिफाई करके, पहले के जमाने में छाता लेके जाते थे, लोहा हाथ में रहना चाहिए, फिर धीरे से उसको फिर चक्कू में बदले, चक्कू से फिर कटार में बदले, कटार से फिर और बड़ी कटारी हो गई, अब तलवार में आ गए हैं। कहने का मतलब वही हमारा कि जैसे जैसे हर चीज जनरेट हो रही है, मोटिफाई हो रही है, तो ये भी मोटिफाई नहीं। पहले क्या है, राजा महाराजा लोग भी खाली तलवार लेके चलते थे शादी बारात में, और वो ऐसे भी लिए रहते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि मतलब कि दूल्हा ही लेके जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन नई आ रही है, नई जनरेशन इंटरनेट का जमाना है भाई, हर चीजें नई, मोबाइल में आदमी कोई भी चीज लॉन्च हुई मोबाइल में आ गई इंटरनेट में, तो वही सब देख करके जो ट्रेड चल रहा है, तो तलवार में सबका दिलचस्पी ज्यादा होती है कि तलवार लेके जाएंगे थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप में मतलब बढ़िया दिखेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, अंदर से फील आती है उनको कि भाई थोड़ा महाराजा स्टाइल रहे, राजा स्टाइल रहे, तो साफा तलवार ये सब मतलब लेके चलते हैं। नॉर्मल नहीं है सारी चीजें, आज बहुत ज्यादा महंगा तो रहता नहीं कि लाख दो लाख का आइटम, मतलब 4,000, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 के अंदर ही आ जाना है, एक बात है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि थोड़ा सा शादी जो हो तो एक बार होगी तो थोड़ा उसको प्रोफेशनल टाइप में थोड़ा की जाए, बेहतरीन अच्छे से अच्छा रहे, यादगार रहे, उनकी शादी की यादें तो हर आदमी चाहता है कि संजो कर रखे, समेट कर रखे, उनके बच्चे देखे तो उनको भी याद दिलाएं, बताएं कि पहले ये था अब ये हो गया है, ये सारी चीजें हैं।